नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में एनआईए एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। मुर्तजा ने पिछले साल 4 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर बांका से किया था हमला, राइफल भी छीनने की थी कोशिश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन में शाम तक 43.19% हुआ मतदान। मतदान पेटिका को गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में किया गया है जमा। स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पूरा इंतजाम। 2 फरवरी को होगा मतगणना। एआरओ अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज में पहुंचकर किया मतदान। कहा, चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दिलाने का किया जाएगा कार्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखकर दिया श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के मतदान केंद्रों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कहा, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की निगरानी में समस्त मतदान केंद्रों पर सकुशल हुआ मतदान। गोरखपुर एम्स के नव नियुक्त अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने एम्स का किया निरीक्षण। कमियों को देखकर व्यक्त की नाराजगी, 15 दिन के अंदर कमियों को दूर करने के लिए एम्स के अधिकारियों को दिए निर्देश। पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ सम्पन्न। जनपद में बनाए गए थे 56 बूथ। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के थे पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा, अच्छे लोकतंत्र के लिए वोट में सभी की भागीदारी है आवश्यक। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव में उत्साही नागरिकों ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को लखनऊ की एनआईए एटीएस कोर्ट ने गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। मुर्तजा ने पिछले साल 4 अप्रैल को मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवानों पर बांका से हमला किया था। उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। 30 जनवरी को एनआईए एटीएस कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा पर अपना फैसला सुनाया। 4 अप्रैल 2022 को इस मामले में विनय कुमार मिश्र ने गोरखनाथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विनय कुमार मिश्र के अनुसार गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर मुर्तजा ने अचानक बांका से हमला किया था, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुर्तजा ने जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की थी। इस दौरान राइफल सड़क पर गिर गई थी। अनिल कुमार को बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने के नियत से उस पर भी बांके से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह घायल जवान अनिल कुमार को बचाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा ए तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तजा पीएसी के पोस्ट की ओर दौड़ा। इससे लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। इसी बीच एक जवान ने मुर्तजा के हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया, जिससे बांका नीचे गिर गया। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया। मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब बरामद हुई थी। सरकारी वकील एम के सिंह के अनुसार विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर धारा 16, 18, 20, 40 के तहत केस दर्ज किया गया।
विवेचना एटीएस को सौंपी गई थी। एटीएस ने 25 अप्रैल 2022 को आरोपी को विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने उसे एटीएस रिमांड में भेज दिया था। मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकी घोषित किया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है। दरअसल खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को ही यूपी पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी व ट्रांजैक्शन हुए थे। उनमें एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाला मुर्तजा के पिता मुनीर अहमद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर दो लोग पहुंचे थे। वे सादी वर्दी में थे। उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं। उसके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए। मुर्तजा के परिवार वालों के मुताबिक गाड़ी नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चला कि दोनों शख्स एटीएस के लोग थे। मुर्तजा के परिवार ने इसकी जानकारी उसे दी तो वह पूरी कहानी समझ गया। उसे पता था कि वह एटीएस की रडार पर आ चुका है और अब उसका बच पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर एटीएस उस तक पहुंची तो उसके पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाएगा। उसने तत्काल अपनी डिटेल्स मिटा दी, फोन फॉर्मेट कर दिया और एक ऐसा हमला प्लान किया जिसमें पुलिस उसे गोली मार दी ताकि एटीएस को नए मामले में उलझाकर डाइवर्ट किया जा सके। मुर्तजा गोरखपुर के एक रसूखदार परिवार का इकलौता बेटा है। मुर्तजा की फैमिली सिविल लाइंस में रहती है। मुर्तजा ने भी किसी मामूली संस्थान से नहीं बल्कि आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग की है। यहाँ के स्टूडेंट्स बेहद शार्प और होनहार माने जाते हैं। उसके पिता कई बैंकों और मल्टीनेशनल कंपनियों के लीगल एडवाइज़र हैं। मुर्तजा अब्बासी के दादा गोरखपुर के जिला जज भी रह चुके हैं। 31 मार्च 2022 को खुफिया एजेंसियों ने 16 संदिग्धों की लिस्ट जारी की जिसमें गोरखपुर के अहमद मुर्तजा अब्बासी का भी नाम था और उस पर नज़र रखने के निर्देश जारी हुए थे। 2 अप्रैल 2022 को एटीएस टीम के सदस्य मुर्तजा की पड़ताल करने उसके गोरखपुर सिविल लाइन स्थित आवास पहुंचे। 2 अप्रैल 2022 को मुर्तजा को जानकारी मिली कि उसे एटीएस खोजने आई थी तो वह घर छोड़कर नेपाल भाग गया। 3 अप्रैल 2022 की शाम लगभग 7:30 बजे मुर्तजा नेपाल वाया बांसी गोरखपुर पहुंचा और गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। 3 अप्रैल 2022 को मुर्तजा को पकड़े जाने के बाद पुलिस ने उस पर 2 केस दर्ज कर 4 अप्रैल को ही उसे कोर्ट में पेश किया और कस्टडी रिमांड पर ले लिया। 11 अप्रैल 2022 को कस्टडी रिमांड पूरी हो गई लेकिन जांच पूरी नहीं होने से एटीएस ने दोबारा कोर्ट में अर्जी देकर उसकी रिमांड बढ़ाने की अपील की। 16 अप्रैल 2022 को एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए के तहत आतंकी घोषित कर जेल वापस भेजा था। 30 जनवरी 2023 को लखनऊ की एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट ने मात्र 9 महीने में पूरे मामले की सुनवाई पूरी कर गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई।
पकड़ घर आएगा अभी, घर आएगा अभी। आपको कुछ बोलना है? गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के मतदान में कुल 43.19% मतदान हुआ। आपको बता दें कि यह मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया था, जो कि 17 जिलों में चल रहा था, जो शाम 4 बजे तक चला है, जिसमें 17 जिलों के स्नातक मतदाताओं ने मतदान किया है। मतदान समाप्त होने के बाद कड़े सुरक्षा के साथ मतपेचियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य कर भवन के बनाए गए स्ट्रांग रूम में पीठासीन अधिकारियों द्वारा लाकर जमा किया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। 2 फरवरी को सुबह 8 बजे मतपेचियों को प्रत्याशियों के सामने खोलकर गिनती की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के ARO अजय कांत सैनी ने कहा। बलरामपुर नंबर 1 है, 60% यार ऐसा है, सिंपल सा नियम है, पढ़े लिखे लोग नहीं हुई आपके पास। अच्छा, एक ही लेके गए थे, एक लेके गए थे, वो नहीं लेके गए थे। सबको हमने दो दो नहीं दिया था ये, आप शायद नहीं ले गए क्योंकि बहुत इधर 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 ले गए। कोई बात नहीं, जो एक घड़ी अरे सर बाईस नहीं 23 आप इधर आ जाइए। अरे ठीक है, ठीक है, अब सर हमारी फोटो खींच रही तो मतलब Oh,
भैया साथ में साथ 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 में आगे सर मतदान अभी हो चुका है और अलग अलग जनपदों से सारी सूचना एकत्र हो रही है। अभी तक मेरे पास 7-8 जिलों की आई हुई है। इसमें बलरामपुर में 60%, बहराइच में 49%, जो है गोंडा में 48% और हमारे बस्ती में भी 48% और जो है मऊ में 37%, अमेठी में 38%। तो अभी धीरे धीरे सूचना एकत्र हो जाएगी, उसके बाद आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सर अभी तक का मतदान कितना लगता है? लगभग अभी तक जो है लगभग हम लोग 42% के आसपास संभावित कर रहे हैं। सर मतपेटिका भी जमा हो रही है? अभी 2 मतपेटिका जमा हो गई हैं और बाकी और मतपेटिका धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। विशेष जो है गोरखपुर से जनपद से सबसे पहले जो है पीठासीन अधिकारियों की टीमें आना शुरू हो जाएंगी। सर आगे क्या प्रक्रिया, कब तक इसमें मतगणना होगी? मतगणना तो 2 जनवरी को है और 2 फरवरी को है। अभी तो केवल स्ट्रांग रूम में ये सारी मतपेटिका पहुंच जाए, जमा हो जाए, उसके बाद जो है मतगणना की का जिम्मेदारी जो है 2 फरवरी की है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए भाजपा MLC प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित रफी अहमद के दुबई इंटर कॉलेज में पहुंचकर मतदान किया, जिसके संबंध में MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम मेरा है जो युवा बेरोजगार हैं उनके प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरी में जाने का अवसर प्रदान करना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मांगों को पूरा करेंगे। इसके अलावा उनके आवाज को सदन में उठाया जाएगा और उनके लिए सरकार से ज्यादा नौकरी देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव स्नातक वर्ग का है चुनाव है और स्नातक वर्ग पूरा हमारे साथ है, इसलिए हम पूरे प्रदेश के 5 सीटों पर सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के MLC प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, चाचा नमस्ते, नीरज का ही फोटो लगेगा। अरे भाई बीच सामने मत आया, नहीं बैठ जाओ नीरज, तुम नीचे बैठ जाओ। हेलो
तुम क्यों नीरज बका? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर शासकीय सेवाओं में जाने का अवसर मिले और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस काम को सुनिश्चित करेगी। स्नातकों और शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि शासकीय सेवाओं में जाने का अनुकूल अवसर मिले, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिले। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि हम सबके प्रिय नेता राहुल गांधी ने कश्मीर में ध्वजारोहण किया व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर 10:58 पर गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने बताया कि आज के दिन सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली से छलनी कर हत्या कर दिया था। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में सत्य और अहिंसा का अलख जगाया था। ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि देते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, प्रशासन प्रभारी तौकीर आलम, महेंद्र मिश्रा, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमलता चतुर्वेदी, धर्मराज चौहान, अभिजीत पाठक, निर्मला गुप्ता, संजय सिंह, अविनाश तिवारी, बद्री विशाल शुक्ला, सुखराम यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, आज महात्मा गांधी जी का परिनिर्माण दिवस है, जिसके नीचे 2 मिनट का मौन है। आज पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा जो पदयात्रा किया गया है, उसका आज श्रीनगर में पीसीसी कार्यालय पर ध्वजारोहण करके समापन किया जाएगा। और आज भारत जोड़ो अभियान की जो है समापन डे में सभी जगह, सभी देशों में, सभी जिले में इस संदेश को हम लोग दे रहे हैं। और महात्मा गांधी जी का मूर्ति के नीचे हम सभी लोग मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश को यह संदेश दिया जा रहा है। परिनिर्वाण दिवस पर क्या संदेश देना चाहिए? परिनिर्वाण दिवस पे महात्मा गांधी जी का आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारा था, जिसके जो देश का संदेश है कि ऐसे RSS के लोग जो महात्मा गांधी के नाम को बदनाम कर रहे हैं, और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं जिनके लिए हम देश में बलिदान और शांति, सत्य और अहिंसा का संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं, उन्हीं के उस परिनिर्माण दिवस में हम 2 मिनट का मौन रखे हैं आज जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस कमेटी के बीच। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के मतदान केंद्रों पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश्वर, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने सेंटर ड्यूज इंटर कॉलेज में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था व मतदान स्थल का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि जनपद में मतदान प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक चला, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट व 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में समस्त मतदान केंद्रों पर सकुशल मतदान हुआ। कहीं पर किसी प्रकार के मतदान केंद्रों पर
पर मतदाता को असुविधा नहीं हुई और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। उन्होंने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियों ने मतदान पेटी को विश्वविद्यालय में सकुशल जमा किया। निरीक्षण के दौरान SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, सर 592 वोटर यहाँ पर, और 106 वोटर पड़ गया है। मतदान जो है 8 बजे सुबह से 4 बजे तक है। टोटल हमारे जनपद में 56 बूथ हैं, सभी जगह पोलिंग चल रहा है। 24 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं 20 केंद्रों में, और सेक्टर ये 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं, और शाम ये दोबारा यूनिवर्सिटी पोलिंग पार्टी वापस होगी, और वहाँ पे अन्य जनपदों से भी सारी पोलिंग पार्टी 311 बूथ की मिल जाएगी। थैंक यू। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में NIA ATS की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। मुर्तजा ने पिछले साल 4 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC के जवानों पर बाका से किया था हमला, राइफल भी छीनने की थी कोशिश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन में शाम तक 43.19% हुआ मतदान। मतदान पेटिका को गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में किया गया है जमा। स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पूरा इंतजाम। 2 फरवरी को होगा मतगणना। ARO अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। भाजपा के MLC प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज में पहुंचकर किया मतदान। कहा, चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दिलाने का किया जाएगा कार्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रख कर दिया श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के मतदान केंद्रों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कहा, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की निगरानी में समस्त मतदान केंद्रों पर सकुशल हुआ मतदान। गोरखपुर एम्स के नव नियुक्त अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने एम्स का किया निरीक्षण। कमियों को देखकर व्यक्त की नाराजगी, 15 दिन के अंदर कमियों को दूर करने के लिए एम्स के अधिकारियों को दिए निर्देश। पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ सम्पन्न। जनपद में बनाए गए थे 56 बूथ, सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के थे पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा, अच्छे लोकतंत्र के लिए वोट में सभी की भागीदारी है आवश्यक। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव में उत्साही नागरिकों ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
गोरखपुर एम्स के नव नियुक्त अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि एम्स के अध्यक्ष के रूप में मेरा पहला दौरा था। सबसे पहले भारत सरकार व प्रदेश सरकार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता पूर्वक निभा पाऊं। उन्होंने बताया कि गोरखपुर में ही पला व बढ़ा हूं, इसलिए यहां की सभी समस्याओं को एक मरीज के तौर पर देख रहा हूं और समस्याओं का हल करना चाहता हूं। इसलिए एम्स के निदेशक को निर्देशित किया गया है कि एम्स गोरखपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं, जिससे एम्स का नाम पूरे भारतवर्ष व विदेशों तक हो सके। हमारी प्राथमिकता है कि गोरखपुर से सटे अन्य जिलों व प्रदेश के मरीज यहां आएं और एम्स की सुविधाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान यहां पर कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसको 15 दिनों के अंदर दूर करने के लिए निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ प्रोफेसर की कमी है, जिसको जल्द दूर कर लिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि एम्स में सबसे बेहतर सुविधा दिया जा सके। इस अवसर पर एम्स निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एम्स के नव नियुक्त अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने कहा, ये आप कर दीजिए भैया, इधर आओ, ये साइड से डाल दो। सुनता नहीं है। हां पीछे And as you see, the karate हम लोगों का ग्रुप है बच्चा अच्छा आजकल तो लोग मानसी के फोटोग्राफ भेज रहे हैं छोटी सी न्यूज क्लिप के लिए, तो हम उसको डाल देंगे। हां वेरी गुड, दिस बिकम्स कन्वीनियंट। यस, तो सभी लोग जो इम्पोर्टेंट पोस्ट, जैसे कि चेयरमैन यूपी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में भी सर ने काम किया है, जो कि सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा भी रहे हैं, और ये जो पोस्ट है ये स्टेटस जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होता है, और ये सर का दोनों जो पोस्ट है वो चार चार साल के ईच रहे हैं। इसके अलावा सर ने और भी बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल फोर पे हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, और नेशनली सर ने हमारे कम्युनिटी के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम मेडिकल कॉलेज की बात करें या अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, तो जैसे कम्युनिटी सर्विस की बात करते हैं, तो सर का हमको लगता है कि एक बहुत बड़ा जो लाइफ का पार्ट रहा है सर के, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा थे, चाहे वो लॉ से संबंधित थे या वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था, लिटरेसी से रिलेटेड था, एडल्ट लिटरेसी से रिलेटेड था, या और भी बहुत सारी एरियाज में सर ने काम किया है जो कि एक बहुत सराहनीय है। सर ने यूपी स्टेट के स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी थे सर, और यूपी स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन में भी थे, जो कि लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, और चेयरमैन थे सर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के और इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और वहाँ पे सर ने काफ़ी सारे उसमें कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस और अपने इनपुट्स दिए, जिसके वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। सर का सबसे खास बात यह है कि सर इनोवेशन पे बहुत बिलीव करते हैं, कि लोग कर रहे हैं वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपना कुछ नया, क्या नया, तो सर ने अपने अपने इनपुट्स और कुछ इनोवेशंस हर जगह पे जहाँ जहाँ पे रहे हैं, बहुत मेजर इनोवेशंस सर ने अपने कंट्रीब्यूट किए हैं इंडिया को। इसके लिए हम सभी लोग भारत की तरफ से सर के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और सर ने जॉइंट सेक्रेटरी के पद पे भी काम किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, एडिशनल सेक्रेटरी के पद पे, फाइनेंशियल एडवाइजर के पद पे, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्टर जनरल रहे हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स,
उसके साथ ही साथ सर के और भी बहुत सारे जो है कंट्रीब्यूशंस है, ये हम आपको इसका एक कॉपी दे देंगे। ये मेरा अध्यक्ष के तौर पे पहला दौरा था यहाँ पे, और सबसे पहले तो मैंने अपने जो एम्स, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत सरकार को, राज्य सरकार को, कि उन्होंने मुझको इस योग्य पाया और मुझको इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, और मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं बहुत ही गंभीरता से निभाऊँ। और जैसा मैंने कहा कि मैं चूँकि गोरखपुर में ही पला बढ़ा हूँ, तो मैं इस यहाँ की सारी समस्याओं को एक पेशेंट की, और वो भी गोरखपुर के पेशेंट की निगाह से देखना चाहूँगा और उसकी समस्याओं को हल करना चाहूँगा। मैंने जो हमारे एम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुरेखा किशोर और उनकी पूरी टीम को मैंने इस बात का आह्वान किया है कि आप इस एम्स गोरखपुर को न केवल एक सेंटर ऑफ, न केवल एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस तो ये घोषित ही है, इसको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएं इन सम डिसिप्लिन और अदर, ताकि इसकी जो ख्याति है वो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में और विदेशों तक इसको फैले, ताकि लोग यहाँ पर दूर होने के बावजूद, पिछड़े क्षेत्र में होने के बावजूद लोग आएँ और आ करके यहाँ पर यहाँ की सुविधाओं का लाभ उठाएँ, यहाँ की एकेडमिक एक्सीलेंस का फ़ायदा उठाएँ और पेशेंट केयर का लाभ उठाएँ। सर, किस तरह से जो कमियां पाई गई हैं आपके द्वारा, यहाँ कैसे दूर किया जाएगा, क्या निर्देश दिया गया? मैंने जो एक दो कमियां मैंने कल यहाँ पे इंस्पेक्शन किया था डिफरेंट वार्ड्स का और साथ ही ओपीडी का, और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उन कमियों के बारे में मैंने स्पेसिफिक निर्देश दिए हैं कि उसको 15 दिन के अंदर उन समस्याओं को, 15 दिन इसके लिए नहीं है कि समस्या दूर कर, 15 दिन के अंदर समस्याओं को दूर करके और उसकी रिपोर्ट मुझे भेजी जाए। और एक वार्ड में मैंने पाया कि 15 दिन से एक बाथरूम उसका पूरी तरह क्लॉक था और वहाँ के वार्ड के कोई भी पेशेंट उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, और उसके जो प्रॉब्लम थी उससे जुड़ी हुई उन समस्याओं को दूर करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि न केवल इस समस्या को हल किया जाए बल्कि ये भी बताया जाए कि यह समस्या अब तक क्यों नहीं हल हुई, उसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए। ऐसा है कि इसमें जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं शुरू तो हो गए हैं, सारे लगभग की डिपार्टमेंट सारे शुरू हो चुके हैं, अभी केवल समस्या हमारे पास है पर्सनेल की, प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का और जो टेक्निकल स्टाफ है उनकी जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉब्लम कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि हमें 3 महीने के अंदर इसमें कुछ सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नज़र आएगा, और ये तो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, ऐसा ये नहीं कह सकता कि 3 महीने में ये बेस्ट हो जाएगा, बट इमीडिएट जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए 3 महीने का एक एक्शन प्लान बना करके हम उसको समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आज LNT के और हाइट्स के लोगों को बुलाया था, और मैंने यहाँ आने के बाद सबसे पहले यही महसूस किया इंस्टीट्यूट के अंदर घुसते हुए कि आपको एक इंस्टीट्यूट और वो भी एम्स में घुसने पर एक हैप्पी फीलिंग आनी चाहिए, जो पेशेंट है उसका एक हैप्पीनेस क्वोशेंट बढ़ जाना चाहिए, वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी, और शुरुआत में ही काफ़ी बैरन लैंड और काम होता हुआ दिख रहा है। तो मैंने कहा है कि इसमें जो मेडिसिनल प्लांट्स और जो हमारे वैरायटी रेयर प्लांट्स हैं उनको लगाने का, अच्छी लैंडस्केपिंग करने का एक प्लान बना करके हमको दें तो वो देंगे, और उसकी वजह से इसका जो शेप होगा, जो कम से एम्बियंस होगा, उसमें सुधार आने की पूरी संभावना है। देखिए, ये जो संस्था है मुख्य रूप से इसके दो चीज़ें हैं इसमें जो करने की हैं, एक तो एकेडमिक एक्सीलेंस का सेंटर ये बनने की ज़रूरत है, तो हमारे जो MBBS की जो कोर्सेज चल रहे हैं और जो हमारे नर्सिंग कॉलेज चल रहा है, इन दोनों में जो कार्य चल रहा है उसमें बहुत, इसलिए मैंने कहा कि बेड्स की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनकी ट्रेनिंग अच्छी से हो सके, उनके लिए इसके लिए ज़रूरत है कि हम उन संख्याओं, जो हमारा बेड्स हैं उनको हम फंक्शनल बनावें
और उन फंक्शनल्स उस बेड्स में आईपीडी में हमारे जो मरीज जो डिजर्विंग हैं उनकी भर्ती की जाए और उनका इलाज किया जाए। तो एक प्रायोरिटी तो हमारी ये है, और दूसरी प्रायोरिटी है कि पेशेंट केयर में विशेष प्राथमिकता देते हुए इस तरह से व्यवस्था करनी है कि जो पेशेंट्स के लिए जो पूरा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो पेशेंट फ्रेंडली हो, यानी जैसे पेशेंट अंदर घुसे तो उसको हर किस्म की सूचना, हर किस्म की इंफॉर्मेशन, हर किस्म की सहायता उसको मिल जाए। तो इसके बारे में बहुत सारे निर्देश दिए हैं हमने, उनका अनुपालन भी 15 दिनों के अंदर मांगा गया है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव का मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल संपन्न हुआ। आपको बता दें कि जनपद में गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के चुनाव के लिए 56 बूथ बनाया गया था। सभी बूथों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पोलिंग बूथ के गेट के बाहर से नागरिकों को बताया जा रहा था कि कोई भी नागरिक मतदान कक्ष में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेकर जाएगा, वह केवल अपना मतदान कार्ड ही लेकर जाएगा। जिसके संबंध में सीओ योगेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में कुल 57 मतदान केंद्र बनाया गया है। सभी बूथों पर उपनिरीक्षक व कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा महिला कांस्टेबल, होमगार्ड व पीएससी की ड्यूटी अलग से लगाई गई है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट की भी ड्यूटी लगाई गई है, जो कि भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, चुनाव के लिए मतदान चल रहा है, कितने शहर में बूथ बनाए गए और क्या सुरक्षा? ये जितने जो इसमें हम मतदान चल रहा है, मैं इस समय रफी की दुआ के सामने खड़ा हुआ हूँ। टोटल जो 57 मतदान केंद्र हैं उनको लेकर जो अलग अलग सब इंस्पेक्टर्स के उसमें ड्यूटी लगाई गई है, महिला कांस्टेबल, होमगार्ड्स और पीएससी की ड्यूटी अलग से लगाई गई हुई है। सभी के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी अलग से लगाई गई है, जो कि भ्रमणशील रहकर जो मतदान है उसको सकुशल सम्पन्न कराएंगे। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एवं अपर जिला अधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने परिवार के साथ अपने अपने मतदान का प्रयोग किया। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, और उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि पूरे जनपद के 56 बूथों पर और 17 जनपद के 321 बूथों पर मतदान होगा, सभी लोग आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं एडीएमई पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद खंड निर्वाचन हो रहा है, जिसमें अपने परिवार के साथ आकर वोट डाला है। उन्होंने कहा कि जितने भी मतदाता हैं उन सभी को अवश्य वोट डालना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोकतंत्र के लिए वोट में सभी की भागीदारी आवश्यक है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एवं एडीएमई पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, क्या हाल है दोस्त? बढ़िया सर, देखिए आपने वोट डाल दिया है, Thank you.
जी यही बना। आज जैसे आप जान रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग का ये आज निर्वाचन हो रहा है सभी जगह पे, तो आज हम लोग इसमें पति पत्नी भी यहाँ पर हम लोग वोटर हैं और आज हम लोग यहाँ पर वोट डालने आए हैं। मेरा ये कहना है कि हर वोटर को, जो भी मतदाता है, उसको वोट अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे लोकतंत्र के लिए वोट में सभी की भागीदारी आवश्यक है। अजय कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस हूँ, डिप्टी डीओ हूँ गोरखपुर का, और मैं यहाँ का मतदाता भी हूँ। देखिए, अभी सुबह मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और एक मतदाता के रूप में मैं सभी से आह्वान करना चाहूँगा कि पूरे जनपद के 56 बूथों पे और पूरे जो हमारे 17 जनपद हैं जहाँ पर मतदान होना है, वहाँ के 321 बूथों पे मतदान हो रहा है। आप सब लोग आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव में सोमवार को भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह सहित नागरिकों ने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। लोगों ने सुबह 8 बजे से ही शाम 4 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है, 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव हो रहा है। गोरखपुर में भी लोगों में काफी उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मत मिला है और पूरा विश्वास है कि आम जनता एक तरफा देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगी और उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर जीत हासिल करेंगी। वहीं एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन के जनपद में 56 बूथों पर मतदान चला, जिसमें शांतिपूर्वक मतदान हुआ। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मीना सिंह, ऋषि कुमार सिंह, संजू सिंह, सुरुचिता राय, सुनीता सिंह, भाजपा नेता डॉक्टर संजय त्रिपाठी, धीरज सिंह हरीश, भाजपा महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष अस्मिता चंद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। सर, आप लोग गेट क्रम संख्या 42 अंदर पे, हाँ, क्रम संख्या 42 ये करें सर। वोटर 609 महिला पुरुष भी होगा? महिला पुरुष Yeah.
ओके कितना नंबर है आपका कितना नंबर बाहर बोलिएगा इधर देखिए भैया अनिमिष कुमार त्रिपाठी विकास को लेके विकास पढ़ाई लिखाई शिक्षा शिक्षा जगत में शिक्षा अच्छे से चले इसीलिए मैं वोट डाला हूँ। मैं आज मैं मतदाता हूँ भाग संख्या 229 का और ये प्रभु पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग का चुनाव है। इसमें मैंने अपना विकास और उच्च शिक्षा के लिए एक नया आयाम कायम हो इसको मानते हुए अपना मत अपने प्रत्याशी को देकर निकला हूँ। मुद्दा यही विकास है और उच्च शिक्षा जिसके लिए हम लोग उनको चयनित कर रहे हैं वो शिक्षा जगत में एक नया आयाम कायम करें निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर के लोगों को शिक्षा मिले यही उम्मीद के साथ जो है। मीना सिंह आज MLC चुनाव के लिए आपने मतदान किया है। हाँ जी। किन मुद्दों पे आपने वोट डाला? विकास, गोरखपुर का विकास आज 10 साल से जो हम लोग देख रहे हैं इसके पहले इतना विकास कभी हुआ ही नहीं गोरखपुर में और हमको गर्व है अपने मोदी जी पर, योगी जी पर, हमारे जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह जी। मैं तो उन लोगों का बहुत सम्मान करती हूँ। ओके थैंक यू। अच्छा लगा। व्यवस्था अच्छी है और हम लोग का रिकॉर्ड है मियां बीवी का कि हम लोग नंबर 1 पे वोट डालते हैं। माने ऋषि कुमार सिंह चुनाव के लिए आपने मतदान किया किन मुद्दों के लिए? देखिए विकास और सुशासन के लिए और चूँकि पढ़े लिखे लोग वहाँ विधानसभा में जाएं तो समाज के लिए बेहतर होगा इसलिए ऐसे लोगों को चुन के भेजना चाहिए जो जुझारी हो कठोर कर्मठ हो और मुद्दों के लिए लड़ सके। कंपोजिटपुर माध्यमिक विद्यालय मंझरिया बिस्टौल में पढ़ाती हूँ और मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी कि आप सब मतदान का अपना प्रयोग करें जिससे ये जनहित की बातें आपका सदन तक पहुँचे और मैं सबसे अनुरोध करूँगी कि जागरूक रहिए मतदान के लिए और मतदान अधिक से अधिक करें। धन्यवाद। स्नातक ये मेन मुद्दा यही है कि स्नातक बेरोजगार जो हैं उन पे ध्यान दिया जाए, बेरोजगारी पे ध्यान दिया जाए कि कितने हमारे बेरोजगार ऐसे पढ़ के बैठे हुए हैं उनकी बातें सदन तक पहुँचे। मेरा नाम संजू सिंह है। कहाँ के रहने वाले? ये गोरखपुर के हैं। आपने वोटिंग किया है मुद्दों को लेकर? ताकि मेरा सबसे पहला है कि पुराना पेंशन भी लागू हो जाए और मेरा तो सबसे पहले यही है। ये तो शिक्षा का वोट जी और सारी सुविधाएं अच्छी हो।
रुचिका राय। मैं जो हमारे अधिकारियों के लिए लड़ेगा उसी के लिए मैंने वोट दिया है। क्या क्या मुद्दों को लेकर? शिक्षा, शिक्षक, मतलब आजकल भर्तियां आ नहीं रही है तो उसी मुद्दों पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के लिए आवाज़ उठाई जाए, इसीलिए हम लोगों ने वोट किया आज। सुनीता सिंह जी, आज हमें अपने अधिकारों का उपयोग किया है और आज MLC का चुनाव है, इसलिए मैं वोटिंग करने आई हूँ। क्या मुद्दों को आपने? अरे भाई, एक अच्छा नेता चाहिए ना हम लोगों को, इतना नेता चुना है। आज आपने वोटिंग किया कि मतदान मुद्दों को लेकर तो होता नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और दल के सिपाही के दृष्टि से मतदान करने आया हूँ। मतदान करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, मतदाता के रूप में आज उसी दृष्टि से मैं आया हूँ। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का आज मतदान है। चूँकि हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए व्यक्ति हैं, स्नातक मतदाताओं का इसमें बहुत अहम भूमिका रहती है, तो हमने अपने मताधिकार का प्रयोग इस विश्वास के साथ किया है कि जिन मजबूत हाथों में हम अपना नेतृत्व देंगे, हमें आशा और विश्वास है कि छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, सभी के इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का और स्वाभिमान का ख्याल रखा जाएगा। और मैं सभी मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करके स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न कराएं। आज गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव का आज मतदान का दिन है और हम सभी जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी माननीय देवेंद्र सिंह जी के जीत की कामना करते हैं और निश्चित रूप से जो है एक ऐतिहासिक जीत होगी। किन मुद्दों पे आज में क्या मुद्दा रहेगा भैया? जो है हमेशा जो है सड़क से लेकर के जो है सदन तक जो ज़रूरतमंद है उनकी आवाज़ उठाते चले आए हैं और उनका यही सब देख करके छात्र जीवन से ही जो है वो राजनीति क्षेत्र में रहे हैं, इतना संघर्षशील उनका व्यक्तित्व रहा है, इन सब चीज़ों को देख करके भारतीय जनता पार्टी जो है अपना उनको अधिकृत प्रत्याशी बनाई है और निश्चित रूप से जो है वो यहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद है उनकी आवाज़ उठाएंगे, उस चीज़ को पूरा करने का वो काम करेंगे। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं, 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। गोरखपुर में भी बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मत उनको मिल रहा है और मुझे विश्वास है कि आम जनता जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन रहा है, योगी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, मुझे विश्वास है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और एक ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश की 5 सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक मतों से, सबसे अधिक मतों से जीत कर हम सब जाएंगे। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, EDM फाइनेंस और डिप्टी DO गोरखपुर हूँ। हमारे जनपद में गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन के 56 बूथों पर इस समय मतदान चल रहा है। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। माननीय आयुक्त महोदय जो RO साहब भी हैं और DIG साहब साथ में भ्रमण कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी एक दो स्थल पर गया था। जनपद में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, एडिशनल SP साहबान, CO साहबान और पर्याप्त मात्रा में फोर्स तैनात है। अब तक लगभग 25% की पोलिंग हो गई है। मेरा अनुरोध है कि 4 बजे तक पोलिंग होगी, जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हों आएँ और अपना मताधिकार का प्रयोग करें। कहीं पर किसी प्रकार घटना नहीं, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। धन्यवाद। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में NIA ATS की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। मुर्तजा ने पिछले साल 4 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PSC के जवानों पर बांका से किया था हमला, राइफल भी छीनने की थी कोशिश।
गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन में शाम तक 43.19% हुआ मतदान। मतदान पेटिका को गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में किया गया है जमा। स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पूरा इंतजाम। 2 फरवरी को होगा मतगणना। एआरओ अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज में पहुंचकर किया मतदान। कहा, चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दिलाने का किया जाएगा कार्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखकर दिया श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के मतदान केंद्रों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कहा, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की निगरानी में समस्त मतदान केंद्रों पर सकुशल हुआ मतदान। गोरखपुर एम्स के नव नियुक्त अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने एम्स का किया निरीक्षण। कमियों को देखकर व्यक्त की नाराजगी। 15 दिन के अंदर कमियों को दूर करने के लिए एम्स के अधिकारियों को दिए निर्देश। पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ सम्पन्न। जनपद में बनाए गए थे 56 बूथ। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के थे पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा, अच्छे लोकतंत्र के लिए वोट में सभी की भागीदारी है आवश्यक। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव में उत्साही नागरिकों ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।